वेलकम टू माय चैनल द कुक हाउस। आज हम बनाने वाले हैं गजक। तो उसके लिए हमने ये 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम लिया हमने खोआ, और कुछ ले लिया मैंने ड्राई फ्रूट जिनको हमने कट कर लिया है चाकू चाकू से। तो ये लिए हमने अखरोट और बादाम और काजू और नारियल जो हमने कद्दूकस कर लिया था। और लिया है मैंने गुड़, ये भी 250 ग्राम है, दो मत 250 ग्राम। तो हम गुड़ से बनाएंगे, चीनी से नहीं बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं कोई भी सामान। तो सबसे पहले करेंगे हम तिल को रोस्टेड, उसमें हम घी नहीं डालेंगे, बिना घी के ही करेंगे। तो चलाते हुए कर लेंगे फ्राई। लो को मतलब गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, ना ज़्यादा तेज ना कम। तो तेल हमारे रोस्ट हो गए हैं, कितना बढ़िया कलर आया, अच्छा सा। तो हमें इन्हें इतना ही करना है, तब इन्हें निकालेंगे अपनी प्लेट में। तो इनको हम ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारे तिल हो रहे हैं ठंडे, थोड़ी देर हम कद्दूकस की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे गुड़ को ऐसे, इस तरीके से हम सारा गुड़ ग्रेट कर लेंगे। आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, चाकू से इस तरीके से छोटा छोटा कर लेंगे। तो ग्रेटर से थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं चाकू से ही करूँगी इस तरीके से छोटा छोटा, क्योंकि बड़े बड़े पीस नहीं रहे ना, मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम छोटे छोटे ही कर लेंगे। तो मैंने अपना गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। तो इधर हमारे तिल हो गए ठंडे, तो मैं थोड़े से तेल इसमें निकाल लूँगी, 3 से 4 चम्मच। तो इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इतने हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे दरदरा, ज़्यादा बारीक ना करें। तो मैंने इसे पीस लिया है, देखिए रोक रोक के पीसा था, एक साथ नहीं पीसा। आप लोग भी इस तरीके से पीसे हैं ना, इसका इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। तो आप रोक रोक कर ही पीसे। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी वापस से, तो हम डालेंगे इसमें अपना खोआ। तो खोए को भी कर लेंगे हम मेल्ट। तो उसमें मैंने घी नहीं डाला है, बिना घी के ही खोए को डाल दिया इस तरीके से। तो आप भी ऐसे ही बनाए। तो हमारा खोआ हो गया गर्म अच्छे से, तो अब हम डाल देंगे इसमें अपना गुड़। तो फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो इसको भी ऐसे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। तो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो, देखना हमारा गुड़ और खोए दोनों कितने बढ़िया तरीके से मिल गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा रह गया, तो इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हम कर देंगे वो गैस बंद, तो इसको भी हम अलग कर लेंगे गैस से। तो इसमें डालूंगी मैं तेल थोड़ी थोड़ी करके, अपने चम्मच से ही मिक्स करें, मतलब हाथ ना लगाएं क्योंकि गर्म है। थोड़ा बाद में डालूंगी मैं, तरीके से चला लें। तो हम ऐड कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट।
बाकी की हम बाद में डालेंगे, इनको भी कर लेंगे हम मिक्स। तो मैं डालूंगी आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर जिसको हमने पीस कर रखा था चीनी डाल के, तो इसको भी मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो कभी फिर गर्म है ये, फिर मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं इसलिए फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से बिछा लेंगे। तो मैं लगा लूँगी इस पर घी, आप चाहें तो ऑयल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से चिकना कर लेंगे इसके। इस पर हम बैटर डालें हमारे दो, तो चिपके ना। तो इस तरीके से फैला लेंगे, तो इसे हम फैला लेंगे बराबर बराबर करके, इस तरीके से ठंडा हो जाए। तो इसे हम कर लेंगे ठंडा। इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट बचा रखे थे तो इसको हम डाल देंगे थोड़े थोड़े करके इस तरीके से। अखरोट, बादाम, काजू सभी को हम डाल देंगे। इसके बना लेंगे हम रोल इस तरीके से करके। फिर जिस तरीके से बना लें, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है ये, तो थोड़ा भी हम और ठंडा करेंगे। इस तरीके से फॉइल को हटाते हुए इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। फिर इसे हम रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तो मैंने ये फ्रिज से निकाल लिए, 1 घंटा हो गया करीब इनको रखे हुए, तो मैं ले आई इनको बाहर। तो हमारे 2 रोल बन गए हैं, तो ये फिर बड़े बड़े हैं, तो इनको हम थोड़ा और छोटा करेंगे इस तरीके से काट के। ट्रांसफर कर लूंगी इस ट्रे में। थोड़े से तेल फैला लिए हम बचा के रखे थे इस तरीके से ट्रे पर, और इनका छोटा सा और बढ़िया सा रोल बनाएंगे हम। तो और भी हम इस तरीके से तेल डाल लेंगे, तो हम सभी रोल पर लगा लेंगे इस तरह घुमाते हुए। अब इनके छोटे छोटे पीस कट करेंगे। तो हमारे छोटे छोटे 4 रोल बना लिए हमने, तो इन्हें हम काट लेंगे पीसेस को। तो मैं इतने बड़े बड़े काट रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी कर लें। तो हमारी गजक बर्गर रेडी है फ्रेंड। देखिए कितनी यम्मी सी बनी है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। गुड़ और खोए से बनाई है हमने, तेल से, बहुत यम्मी बनी है। तो आप लोग जरूर बनाएं फ्रेंड्स, और खाइए आप लोग भी मिलकर। और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।